बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने कहा कि बाल्को प्रबंधन वाचनालय की स्थापना के लिए इंटक की मदद कर अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंटक कर्मचारी हितों के साथ ही सामाजिक उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। श्री सूरी ने ये उद्गार वाचनालय के शिलान्यास समारोह में व्यक्त किए। इस मौके पर कोरबा के महापौर श्री लखनलाल दिवांगन, कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा और इंटक के महामंत्री श्री वीके शर्मा सहित अनेक प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि मौजूद थे। बाल्को के प्रतिनिधि संघ इंटक के प्रस्तावित वाचनालय के शिलान्यास कार्यक्रम में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी, कोरबा के महापौर श्री लखनलाल दिवांगन, कांग्रेस विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष श्री प्यारेलाल कंवर और कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष श्रीमती उषा तिवारी सहित अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि और बाल्को अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर अनेक अनुष्ठान हुए। अतिथियों ने नारियल तोड़कर वाचनालय की शिला पट्टी का अनावरण किया। वाचनालय के शिलान्यास के बाद अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। वाचनालय के शिलान्यास समारोह में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने कहा, खुशी का मौका है क्योंकि जैसा शर्मा जी ने बताया, पिछले लगभग 3 साल से वो ये सपना देख रहे थे कि बाल्को के अंदर एक ऐसा वाचनालय बने, एक ऐसा पुस्तकालय बने जिससे कि पूरे बाल्को नगर के और बाल्को परिवार के जो सदस्य है वो उसको पूरा फायदा उठा सके। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि लगभग पिछले 3 बरस से जो मैं इंटक बाल्को में उनकी गतिविधियां कार्य शैली को देख रहा हूं, वो ना केवल उद्योग चलाने के लिए मैनेजमेंट के साथ कंधे से कंधा जोड़ के चल रहे हैं, बल्कि समाज कल्याण के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। अभी कुछ महीने पहले बाल्को कोरबा नगर में जो स्कूल चलाया जाता है आदर्श विद्या मंदिर, जो कि इंटक के माध्यम से चलाया जाता है, शायद आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि इंटक के सदस्यों ने उस स्कूल में तमाम बच्चों की ना केवल पढ़ाई मुफ्त करी बल्कि उनकी किताबें, कॉपियां, सब चीजें उनको निःशुल्क प्रदान की। छोटा सा एक स्कूल था सेक्टर 6 में जो चलता था, और उसके बाद जब शर्मा जी और उनके सदस्यों ने कहा कि स्कूल को आगे विस्तार करना है, और अभी इसी कार्यालय के सामने आप देखिए एक जो पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी उसको पूरी तरह से उसका जीर्णोद्धार करके वहां किस तरह से बच्चों का स्कूल बढ़ाया गया, ये अपने आप एक बहुत सराहनीय कदम है। इंटर बाल्को और इंटर के सदस्यों ने ये जो मिसाल कायम की है कि वो कर्मचारियों के हित के साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी जो कार्य करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। कुछ करीब 6-8 महीने पहले जब हमारे वाइस चेयरमैन श्री नवीन अग्रवाल जी यहाँ आए थे तो शर्मा जी, जैसा कि हमारा हमेशा का रूटीन रहता है, इंटर के जो कार्यकर्ता है अधिकारी गए, उनकी एक मीटिंग होती है, तो करीब 10 मिनट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में सब कुछ प्रेजेंटरी होने के बाद शर्मा जी ने बोला, सब हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हम टाउनशिप के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। इतना सुना था उसी टाइम नवीन अग्रवाल जी बोले कि ठीक है, आप लोग इनसे बात कर लीजिए और शुरू कर दीजिए। और उसके बाद हमारे साथी और साथ में शर्मा जी मिलके इसकी रूपरेखा तैयार करने लगे,
और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि लगभग 20 लाख रुपए की राशि इस पुस्तकालय और वाचनालय के लिए बालको मैनेजमेंट ने दिया। और ये वाचनालय हम चाहते हैं कि एक ऐसी मिसाल बने पूरे कोरबा में, जिसको कि ना केवल हमारे अपने एम्प्लॉयज के बच्चे अपने एम्प्लॉयज बल्कि उनके परिवार का और बालको नगर और आसपास के जो भी लोग हैं वो इस ज्ञान के मंदिर में आके उसके पूरा फायदा उठाएं। आज सही मायनों में बालको नगर में और कोरबा में जो यूथ है उनको सही राह दिखाने के लिए ऐसे वाचनालय, ऐसे पुस्तकालय, ऐसे रोजगार संबंधी जो संस्थान है उनकी स्थापना करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनके लिए किस तरह से ऐसे माध्यम निकाले जाएं जिससे कि वो रोजगार वाले बन सके, इस तरह की योजनाएं भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग कुछ कार्य नहीं करेंगे, अच्छा कार्य नहीं करेंगे, तो वो फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और इस तरह के वाचनालय और पुस्तकालय से लोगों का जो ज्ञान वर्धन होगा वो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि बालको के सहयोग से इंटक द्वारा स्थापित किए जा रहे वाचनालय से सभी लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनके इससे पुस्तक के माध्यम से हमको ज्ञान बुद्धि मिलेगा। इसके लिए मैं बालको के अपने प्रबंधक को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जब भी ऐसे हमारे क्षेत्र के लिए कोई भी हम लोग चाहे विकास संबंधित काम हो, ये भी विकास से ही जुड़ा काम है। जब हम लोग अच्छे पढ़े लिखेंगे इससे जब बड़ा विकास रोड नाली नहीं होता, पुस्तक जब ज्ञान होता है तभी लोगों का एक अच्छी विकास होती है। और निश्चित रूप से बालको प्रबंधन का जब जब हमारे क्षेत्र के विकास संबंधी मांग किए हैं निश्चित रूप से लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसके लिए मैं बालको प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में भी उनका हमारे कोरबा के विकास में अथम भूकर मिले, सहयोग मिले, ताकि हमारे इस कोरबा जिला में हम लोग अच्छे से काम कर सकें। उनके द्वारा कई ग्राम पंचायतों में भी गोद नामक गाँव लेकर अच्छा से वहाँ का भी शिक्षा ग्रहण देने में और आंगनबाड़ी टाइप का एक और उन्होंने खोला है उसका भी बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित है। कुछ दिन पहले हमारे ऐसे गरीब भाइयों को उन्होंने ईंटा बनाने के औजार प्रदान किए। एक तरह से उनका सहयोग हमेशा मिलते जा रहा है। अभी बताए वैसे मुझे पूर्व में मालूम था कि एक अच्छे स्कूल बालको प्रबंधन के सहयोग से इंटक के प्रयास से निःशुल्क में जो शिक्षा दे जाए वो भी एक प्रशंसनीय काम है। क्योंकि हमारे ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप आर्थिक स्थिति से कमजोर रहते हैं, फीस नहीं पटा पाते। अब निश्चित रूप से उनका निःशुल्क में पुस्तक गणवेश बिना शुल्क के उनको पढ़ाई शिक्षा मिले, एक जितना भी प्रशंसा के जाए कम है। अब आने वाले समय में सब आप लोग इस शहर के विकास में इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब हम लोग मिलजुल कर हमारे जिला को हम कैसे आगे बढ़ाएं, अच्छा कैसे सुंदर बनाएं, चाहे बालको क्षेत्र हो, चाहे कोरबा क्षेत्र हो, चाहे पूरा जिला हो, ये सब हम सोच करके चलना चाहिए ताकि हमारा जिला एक अच्छे जिले में गिने जाए। इसी के साथ मैं अब सब लोगों ने मुझे भी बुलाकर जो सम्मान किया उसके लिए मैं पूरे इंटर परिवार को बालको प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रस्तावित वाचनालय की स्थापना को बालको प्रबंधन और इंटक की उत्कृष्ट पहल बताया। इंटक के प्रयासों से और प्रबंधन की सहायता से अपने प्रांगण में एक विशाल ग्रंथागार का भूमि पूजन माननीय महापौर महोदय के कर कमलों से हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो आज के जमाने में अग्र ज्ञान की दिशा में इस तरह की संस्थाएं संचालित किया जाना अपने आप में एक विशेष कार्य है। ग्रंथालय में जो पुस्तकें होगी उससे न केवल हमारा बौद्धिक विकास होगा बल्कि हमारे स्वयं के आचरण में प्रगति और सुधार की आशा हम सभी नौजवानों से करेंगे। जैसा कि सूरी साहब ने बताया, अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था हमारे नए प्रांत में बहुत मजबूत होनी चाहिए और इसी दिशा में यह ग्रंथागार एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। सूरी साहब ने बताया कि यहाँ एजुकेशन की दिशा में काफी बालकों ने सहायता प्रदान की है और उनका शैक्षणिक स्तर निश्चित रूप से बेहतर होगा, इसको मानना चाहिए। और ये लाइब्रेरी भी
हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी एक नई व्यवस्था होगी। इसे भी हम इस संस्थान के विकास की दिशा में हम उपलब्धता की एक पंक्ति भी है, इसका भी उल्लेख करना चाहेंगे। विशिष्ट अतिथि कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष श्री प्यारेलाल कंवर और कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष श्रीमती उषा तिवारी ने भी वाचनालय की स्थापना के लिए बालको प्रबंधन और इंटक की सराहना की। मैं इस मंच के माध्यम से अपने श्रमिक भाइयों को, सभी बालको के लोगों को और सूरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमारे इंटक परिवार को, बालको के हमारे सभी एम्प्लॉइज और यहाँ के लोगों को यह सुविधा प्रदान की। मैं उनको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी। इंटक के महामंत्री श्री वी के शर्मा ने कहा कि वाचनालय की स्थापना से भावी पीढ़ी लाभान्वित होगी। बालको प्रबंधन की सहयोग के लिए श्री शर्मा ने बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी का आभार जताया। इस पुस्तकालय की देन अगर यह सोच अगर किसी ने पैदा की हमारे जीवन में तो वो उसका श्रेय सिर्फ अगर जाता है तो माननीय डॉक्टर जी संजीव रेड्डी को जाता है। हम आज इस अवसर पर सबसे ज़्यादा धन्यवाद प्रमोद सूरी जी को भी देना चाहेंगे और उनकी टीम को भी। उन्होंने हमारी इस सोच को, हमारे अध्यक्ष महोदय की इस सोच को जो यथार्थ रूप में परिवर्तित करने में सहयोग दिया। आगे आके उन्होंने बोला कि नहीं, आपने ये अच्छी सोच समाज के लिए, सभी लोग यूनियंस के लिए बहुत कुछ सहायताएं मांगते हैं, आपने जो समाज के लिए मांगा है उसको हम ऑनर करते हैं और हम लोग इसमें जो भी सहायता हो सकेगी निश्चित रूप से करेंगे। इंटर ने इनिशिएट किया है, ठीक है, लेकिन हम इस टाउनशिप के, इस आसपास के क्षेत्र के सभी के लिए, हमने जो उसको नाम दिया है सार्वजनिक है, वो सभी इस कारखाने में काम करने वाले, आसपास रहने वाले जो काम नहीं भी करते हैं, उस वाचनालय, उस पुस्तकालय का लाभ लें, यही हमारी सोच है। इंटक के महामंत्री श्री शर्मा ने महापौर श्री देवांगन, विधायक श्री शर्मा, कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री कंवर और बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सूरी का सम्मान शाल व श्रीफल से किया। छत्तीसगढ़ महिला इंटक अध्यक्ष श्रीमती नीलम बाला सोलोमन ने श्रीमती तिवारी को शाल व श्रीफल से सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन बालको इंटक के उप महामंत्री श्री व्यास नारायण सिंह ने किया। सचिव श्री डी के मित्रा ने आभार जताया।